हेलो दोस्तों, आज मैं हूँ जौनपुर में। यहाँ का टेम्परेचर करीबन 16-15 डिग्री चल रहा है, 15-16 डिग्री के आसपास। ये अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी ये कंडीशन है कि देखिए पीछे कितना कोहरा दिख रहा है। अभी सूरज भी नहीं दिख रहे हैं इस वक्त, देखिए ऊपर हल्की सी गुलाबी सी ठंडी है और मज़ा काफ़ी आ रहा है। मस्त गुलाबी ठंडी 16 डिग्री टेम्परेचर, जो कि जल्दी वडोदरा में मिलता नहीं है। मिलता है लेकिन समझ लो ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग, एकदम बहुत सुबह सुबह जब हम वडोदरा निकलते तब ऐसा ठंडा मौसम होता है। हालांकि ये वडोदरा की ठंडी से तो काफ़ी अलग है, यहाँ का मौसम, यहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता है। चलिए देखते हैं आज और क्या क्या करते हैं हम लोग, कहाँ घूमते हैं, कहाँ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे पूरा उठाकर भाग रहे हैं। ये जो खेत देख रहे हैं आप, इसमें मैंने खेती की है। ये बरसिंग घास है, वो लहसुन है, घर आलू है। ठीक है, बरसिंग घास, लहसुन, आलू, फिर इसके बगल में सरसों है। सरसों में हमने कुछ चने भी डाले हैं और जो पीछे दिख रहा है ऊख यानी गन्ना, उसकी भी खेती मैंने खुद की है। तो ये आपके लिए सरप्राइज़ था, खास करके मेरे दोस्तों के लिए जो जानते ही नहीं कि मैं किसान भी हूँ। उनके लिए सरप्राइज़ है कि देखिए कितना करता हूँ मैं। और मतलब काफ़ी कुछ आता है खेती में, लेकिन वो गन्ने अभी आप देखेंगे तो गन्ने काफ़ी हाइट के हो चुके हैं, मुझसे भी काफ़ी ऊंचे ऊंचे हाइट के हैं। करीबन हो गए ये 8 या 9 फीट लंबे गन्ने हैं। चलिए पास से व्यू ले लेते हैं। ये जो गन्ने आप पीछे देख रहे हैं करीबन 8 से 9 फीट की हाइट के हैं। चलिए एक व्यू ले लेंगे पास में जाकर, लेकिन तब तक आप ये गांव का एक व्यू देख लीजिए। ये पीछे दिख रहा है वो रास्ता है, मेन रोड है। और ये देखिए गांव का ये व्यू, ये गांव के अंदर का रास्ता है। और ये हमारा खेत और उसके आसपास की जगह। चलिए अब गन्ने का व्यू लेते हैं। ये लहसुन है और पास में आलू है, वो पूरा आलू है। ये देखिए सरसों, सरसों के अंदर ये जो दिख रहा है ये चना है। आपने तो सुना होगा सरसों और चने का साग। जो गांव का मशहूर सरसों चने का साग होता है वो आप देख लीजिए कैसा होता है। देखिए ये सरसों के पत्ते हैं, देखने में ऐसा लगेगा कि ये मूली के पत्ते हैं लेकिन ये सरसों के हैं। और ये चना है छोटा छोटा, इसकी नरम नरम पत्तियों को तोड़ के सरसों और चने का साग बनाकर सब खाते हैं, काफ़ी टेस्टी होता है। अभी इस पर कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला हुआ है तो इसको मैं डायरेक्ट खा सकता हूँ। देखिए गन्ने का खेत, ये जो बगल वाला आप खेत देख रहे हैं ये इसमें गेहूं डाल चुके हैं, मतलब गेहूं का बीज डाल चुके हैं। ठीक है, इसमें गेहूं होने वाला है, गेहूं की खेती होगी। गेहूं की खेती काफ़ी आसान है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रैक्टर का इस्तेमाल है। ट्रैक्टर से आप खेत तैयार करवा दीजिए और गेहूँ के बीज छींट दीजिए, बहुत आसान है। फिर टाइम टू टाइम उसमें पानी देना है। ज़्यादा मेहनत चावल की खेती यानी धान की खेती में लगता है, जिसे गुजरात में डांगर कहते हैं। डांगर में ज़्यादा मेहनत होता है,
उसमें बीच बीच में से घास भी निकालनी पड़ती है, फिर उसे सटकना पड़ता है, काफ़ी मेहनत होता है उसमें। चलिए, ये हम पहुंच गए हमारे गन्ने के खेत में, तो देखिए कैसा है खेत। इसका वीडियो अभी तक मैंने डाला नहीं है, डालूँगा, लेकिन काफ़ी समय लगता है वीडियो एडिटिंग वगैरह में, इस वजह से मैं डालना थोड़ा अवॉइड करता हूँ। इसका वीडियो मैंने अभी डाला नहीं है, वो भी जल्दी डालूँगा कि कैसे खेती की थी मैंने इसकी। भाई, आप लोगों को तो प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ तो मिलेगा। देखो, ये भी गन्ने की खेती है। दोस्तों, मैं इस चैनल पे आपसे टेक्नोलॉजी की बातें करूँगा, कुछ किसानी की बातें करूँगा और कुछ हेल्पफुल टिप्स और ट्रिक्स दूँगा, और कुछ घूमने फिरने की बातें होगी। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।